तो हाय एवरीवन, आप लोग इस वीडियो में कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग सीखने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आप सभी को प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार पर टाइप करना है कैपकट। तो यहाँ पर आपको कैपकट सर्च कर लेना है, और यहाँ पर आपको इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो आपको जैसे ही डाउनलोड हो जाता है आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है, और आपको इस तरह की वीडियो एडिटिंग करने के लिए 15 फोटो की ज़रूरत होगी। तो आपको उसके लिए यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको फ़ोटो पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी 15 फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जिसका आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर 15 फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक कर देने के बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रॉल करना है, और आपकी जो भी फ़ोटो छोटी हो तो आपको उस वाली फ़ोटो पर क्लिक करना है, और इस तरह से आपको जूम करके फुल साइज पर कर लेना है। तो इसी तरह आपको सभी फ़ोटो को फुल साइज कर लेना है। सभी फ़ोटो को फुल साइज कर लेने के बाद आपको वीडियो के लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आ जाने के बाद आपको यहाँ पर एंडिंग लिखा है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको डिलीट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाना है। वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाने के बाद आपको एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको लोग वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर ओवरले पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ऐड ओवरले पर जाना है। फिर आपको उसी वाले वीडियो को ऐड कर लेना है। तो आपको यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करना है, और आपका जिस भी फोल्डर में रखा हो तो आप यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट करके डायरेक्ट उसको ऐड कर सकते हैं। तो मेरा जो वीडियो है वह कैमरा वाले फोल्डर में रखा है, तो यहाँ पर हम कैमरा वाले फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से अपनी एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है, तो जो आपकी वीडियो रहेगी वह यहाँ से आपकी वीडियो ऐड हो जाएगी। तो हमारा वीडियो ऐड हो चुका है। अब आपको इस वीडियो का आइडियो निकालना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट आइडियो, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बैक वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर से आपको ओवरले पर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पर आपने जो वीडियो सेलेक्ट किया था आपको उस वीडियो पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल आना है, और इस वीडियो को आपको डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको फर्स्ट वाली फ़ोटो पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ से जो सॉन्ग का आइडियो है यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर उठा हुआ है। तो आपको कुछ इस तरह से यहीं तक इसको स्क्रॉल करना है, जहाँ पर इस सॉन्ग का बीट्स उठा हुआ है आपको वहीं तक आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको स्प्लिट, इस पर क्लिक कर देना है। स्प्लिट करने के बाद आपको यहाँ पर बैक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। आपको इसी फोटो पर फिर से क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर एनिमेशन पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर इन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको सबसे लास्ट पर आ जाना है। लास्ट में आ जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्विंग बॉटम, आपको इसी वाले एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर डन पर क्लिक करना है। इसी तरह आपको 13 फोटो तक सभी फ़ोटो में यही वाला एनिमेशन दे देना है। तो हम यहाँ पर सभी फ़ोटो पर क्लिक करके यहाँ पर एनिमेशन दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने 13 फोटो तक एनिमेशन दे दिया है। उसके बाद आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाना है। वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाने के बाद आपको फर्स्ट वाली फ़ोटो पर क्लिक करना है, फिर आपको वीडियो को कुछ इस तरह से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ से जो बीट्स उठा हुआ है दिखाई दे रहा है, आपको इस वाली फ़ोटो को यहाँ तक आना है। तो आपको इस वाली फ़ोटो को इस वाले हिस्से पर क्लिक करना है, और इसको कुछ इस तरह से आपको इनक्रीज कर लेना है। तो आपको यहीं तक इनक्रीज करना है जहाँ से आपका ये बीट्स उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको यहीं तक इसको इनक्रीज कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है, तो आपको इस वाले बैक पर क्लिक करना है। फिर आपको दूसरी वाली फ़ोटो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो दूसरा बीट्स है स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इस वाली फ़ोटो को कुछ इस तरह से यहाँ तक आ जाना है। आ जाने के बाद आपको यहाँ पर स्प्लिट, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपका जो अतिरिक्त फ़ोटो है उसको आपको यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर देना है। फिर इसी तरह आपको तीसरी फ़ोटो पर क्लिक करना है,
और जहाँ जहाँ आपका बीट्स उठा हुआ है वहीं तक लाकर आपको उसको डिलीट कर देना है। तो आपको 13 फोटो तक कुछ इस तरह से आपको जहाँ जहाँ पर आपका बीट्स उठा हुआ है वहाँ वहाँ पर आपको इस फोटो को लाकर डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर हमने सभी फोटो को जहाँ पर हमारा बीट्स स्टार्ट होता है हमने वहाँ तक लाकर अतिरिक्त फोटो को डिलीट कर दिया है। इसके बाद आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आ जाने के बाद आपको वीडियो को 2 सेकंड तक बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर आपको 2 सेकंड के बीच में आ जाना है। फिर आपको यहाँ से आपको एक इफ़ेक्ट देना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर वीडियो इफ़ेक्ट इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ट्रेंडिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जूम लेंस, इस पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक कर देना है और आपको इस वाली इफ़ेक्ट को इस फोटो के लास्ट तक रखना है। तो आपको फोटो के लास्ट तक आ जाना है। आ जाने के बाद आपको इस वाले हिस्से पर क्लिक करना है और इसको कुछ इस तरह से छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर 2 बार क्लिक कर देना है और 2 बार क्लिक करने के बाद आपको इस वीडियो की इस वाली फ़ोटो पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर बैक पर क्लिक कर देना है। बैक पर क्लिक कर देने के बाद आपको इस वीडियो के कुछ यहाँ तक आ जाना है, करीब 6 सेकंड के आसपास। फिर आपको यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करना है। इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको वीडियो इफेक्ट पर जाना है। तो यहाँ पर आपको बेसिक सेलेक्ट करना है। बेसिक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मिनी जूम का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद आपको इस वाली फ़ोटो के लास्ट तक आ जाना है। लास्ट तक आ जाने के बाद आपको इसको भी छोटा कर देना है। तो यहाँ पर हमने इसको भी छोटा कर दिया है। अब आपको 14वीं फ़ोटो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको लास्ट में आ जाना है और आपकी जो 14वीं फ़ोटो है आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एनिमेशन पर चला जाना है। एनिमेशन पर जाने के बाद आपको इन एनिमेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको जूम 2 का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर जूम 2 पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर डन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर 3 बार बैक कर देना है। बैक फिर आपको इसी वाली फ़ोटो पर क्लिक करना है और आपको यहाँ तक आ जाना है जहाँ तक आपका यह बीट्स उठा हुआ है। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ तक इसको कर लेना है। कर लेने के बाद आपको यहाँ पर स्प्लिट इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपका जो फ़ोटो का अतिरिक्त पार्ट रहेगा उसको आपको यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो फ़ोटो का अतिरिक्त पार्ट होगा वह डिलीट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर इस वाली फ़ोटो पर क्लिक करना है, इन एनिमेशन पर जाना है, आपको इन एनिमेशन पर क्लिक करना है और इस वाली एनिमेशन में आपको वही वाला एनिमेशन दे देना है जो आपने पहली वाली फ़ोटो पर एनिमेशन दिया था। तो आपको यहाँ पर स्विंग बॉटम इस पर क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको बैक आ जाना है। और यहाँ से आपको एक और फ़ोटो को ऐड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड कर लेना है। फिर आपको स्प्लिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसको डिलीट कर देना है। अब जहाँ पर आपका सॉन्ग ख़त्म होता है आपको वहाँ तक वीडियो को कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर लेना है। फिर आपको स्प्लिट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको इस वाली अतिरिक्त फ़ोटो को डिलीट कर देना है। तो आपको डिलीट पर क्लिक करना है। अब आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाना है और आपको अपनी वीडियो को प्ले करके देख लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से बनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अब इस वाली फ़ोटो को आपको सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपको इस वाले एरो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो जो आपकी वीडियो रहेगी वह डाउनलोड होना चालू हो जाएगी। तो आपको वीडियो एडिटिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर कुछ इस तरह से इंटरेस्टेड वीडियो एडिटिंग सीखने को मिलती रहेगी। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।